ये है नहारी के मसाले, तो ये तेजपत्ता, जीरा, सौंफ, दालचीनी, इलायची, लौंग, जायफल जावित्री और साबुत धनिया और बादियानी का फूल, जावित्री का फूल, और ये है जायफल जो मैंने क्रश करके रख लिया, बड़ी इलायची उसको भी मैंने क्रश करके रख ली। तो मैं इन सब का पाउडर बनाऊंगी, सभी साबुत मसालों का पाउडर बना लिया है। ये नहारी का मसाला तैयार है। ये है पाउडर मसाले, लाल मिर्च पाउडर, दालचीनी का 2 टुकड़ा, हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर और वो है कसूरी मेथी, और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑनियन पेस्ट। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। ये हाफ के जी गोश्त है गाइस, मैं इसे भी टेंडर कर लूँगी, पाया तो मैंने टेंडर कर लिया है। अब इसे मैं पानी डालकर और नमक डालकर टेंडर कर लूँगी। ये पाए हैं मैंने टेंडर कर लिए थे जो 4 घंटे पहले, वो टेंडर हो चुके हैं। मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। अब मैंने मटन भी बॉईल कर लिया है, तो बाकी का प्रोसेस करते हैं। मैंने भगोना गैस पर रख दिया है, इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अब ये गर्म हो जाएगा तेज, तब मैं इसमें आगे की प्रोसेस करती हूँ। ऑयल तेज गर्म हो गया गैस, अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें लौंग और ये दालचीनी के टुकड़े ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑनियन पेस्ट जो बना कर रखा हुआ वो ऐड करूँ। अब मैं इसकी थोड़ी भुनाई करूँगी 1-2 मिनट के लिए। इसमें गाइस मैंने नमक भी ऐड कर दिया था, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ध्यान रखिएगा कि मैंने जब वो पाए बॉईल कर रही थी तो उसमें भी नमक ऐड किया था, और मटन में भी ऐड किया हुआ है मैंने नमक, इसलिए समझ कर ही नमक डालिएगा। अब मैं इसमें सारे पाउडर मसाले ऐड कर रही हूँ। इसकी भुनाई करूँगी। ये वो गोश्त है जो मैंने अभी अलग से टेंडर किया हुआ है गाइस, अब ये टेंडर हो गया है। अब मैं मसालों में इसको ऐड करूँगी और इसकी भुनाई करूँगी। तो गोश्त की भुनाई हो गई है क्योंकि ऑयल रिलीज होने लगा है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पाए जो मैंने टेंडर करके रखे हुए हैं, वो ऐड करूँगी गाइस। दिल बहुत चिपका हुआ है, इसको अलग से हाथ से निकालना पड़ेगा। तो पाए मैंने ऐड कर दिए गाइस, लेकिन ये इतने एक दूसरे से जॉइंट हो चुके हैं कि इनको अभी थोड़ी गर्माहट की ज़रूरत है, तभी ये अलग होंगे। तो मैं इनको थोड़ा पानी डालकर बॉईल कर लेती हूँ। ये सारे एक दूसरे से अलहदा हो चुके हैं गाइस, मैं इनकी भुनाई कर रही हूँ। उनको थोड़ा सा भुनाई करने के बाद फिर मैं इसमें आगे का प्रोसेस करूँगी गाइस। इसकी मैंने भुनाई कर ली गाइस, अब मैं इसमें वो पानी ऐड कर रही हूँ जो मैंने पाए को गलाकर रखा हुआ था, उसका पानी अलग-अलग करके रख दिया था मैंने। वो पानी देखिए जैसे केक की तरह बना हुआ है, अब मैं वो ऐड कर रही हूँ। गाइस सर्दियों में नहारी खाने का अपना ही मज़ा होता है, तो एक बार मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है ये नहारी, एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। और प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस, प्लीज़ प्लीज़ गाइस। अब मैं इसमें वो मसाले ऐड कर रही हूँ जो मैंने नहारी के मसाले बनाए हैं, अब मैं वो ऐड कर रही हूँ उसमें।
तो मेरी नहारी बन करके रेडी है गाइस। तो गाइस आप अपना सपोर्ट मुझे ज़रूर दें, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मुझे सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ गाइस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरी वीडियो फुल देखें और मुझे सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें और एक बार मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा नहारी और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मैं इसमें होममेड गरम मसाला ऐड कर रही हूँ गाइस। और इसमें थोड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ। और हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। फाइनली मेरी नहारी तैयार है। सर्विंग बाउल में निकाल लिया इसको साफ करने के लिए और हरा धनिया गरम मसाले से ज़रूर गार्निश करूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। तो नहारी सर्व करने को रेडी है गाइस। मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया इसको। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें, एक बार मेरे मेथड से ज़रूर बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।